बच्चों, आज हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स का लेक्चर नंबर 6, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, उल्मन रिएक्शन। और इसके और भी नेम है, उल्मन सिंथेसिस और कपलिंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो हम सबस्ट्रेट यूज करेंगे वो होगा आपका एराइल हेलाइट। क्या होगा? एराइल हेलाइट और स्पेशली एराइल आयोडाइड। और इसमें जो आपका रिएजेंट यूज होगा वो है आपके पास कॉपर प्लस हीट। और इसमें जो आपके प्रोडक्ट बनेंगे वो होंगे आपके पास कौन से? बाई एराइल्स या यू कैन से बाई फेनाइल आ यू कैन से बिस फेनाइल या आप लोग इसे एक और नाम दे सकते हैं और वो है आपका डाई बेंजीन। और इन सबस्ट्रेट रिएजेंट और प्रोडक्ट को याद रखने के लिए एक ट्रिक है और वह यूअर्स क्यूट इशित्री बहन जी यूअर से आपका उलमै और क्यूट से आपका क्यूट सा कापर और इशित्री से आपका आयोडीन और बहन जी से बेंजीन से आपका ये वाला बेंजीन। सो इस ट्रिक से जो भी है इस रिएक्शन को आप लोग याद रख सकते। चलिए अभी हम देखते हैं इसका रिएक्शन। और अभी हमने देखा कि इसमें आपने क्या लेना है, एराइल हेलाइट। क्या लेना है? एराइल हेलाइट। और ये है आपका क्या? एराइल। और ये है आपका क्या? हेलाइट। और क्या लेनी है? कॉपर मेटल। और 2 moles आपने लेने हैं किसके? एराइल हेलाइट के। कितने moles आपने लेने हैं? 2 moles आपने लेने हैं एराइल हेलाइट के। 2 moles आपने लेने हैं और किसकी प्रेजेंस में? थोड़ी सी हीट की प्रेजेंस में। होगा क्या, यहां से आपके पास 1 mole कॉपर आयोडाइड बाहर चला जाएगा, C-U-I-T-I-2, और बाकी आपके पास 2 बेंजीन रिंग बचेंगे, वो आपस में मिल जाएंगे इस तरीके से। और आपको पता है ये आपका 1 बेंजीन रिंग और ये बॉन्ड और ये है आपका दूसरा बेंजीन रिंग। और अभी इसका नाम क्या बनेगा? एक आपका बेंजीन के, दूसरा बेंजीन के, तो नाम बनेगा डाइबेंजीन। यहां एक फिनाइल आपका ये, दूसरा फिनाइल आपका ये, बाई फिनाइल। और इससे आप लोग क्या नाम देते हैं? बिस फिनाइल का। या एक और नाम लेते, एक एराइल आपका ये, दूसरा एराइल आपका ये, तो बाई एराइल का भी जो आप लोग इसे नाम देते हैं। अभी हम देखते हैं इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर आपके पास बनेगा ये है आपका एराइल, फिर आपके पास आएगा आयोडीन जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और फिर आपका आएगा एराइल, फिर ब्रोमीन, फिर आपका क्या आएगा? एराइल, फिर आपका क्लोरीन, फिर आपका आएगा एराइल, फिर आपका फ्लोरीन। सो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है, बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, इसलिए हम इसे यूज नहीं करते। और कंपैरेटिवली जे वाला ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए हम लोग जो है मोस्टली क्या लेते हैं? एराइल आयोडाइड जो है वही लेते हैं। चलिए हम देखते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। और इसके 2 mechanism हैं। पहला है आपके पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, वो हम देखते हैं।
सो जैसे कि आपने लिया था इसमें क्या एराइल आयोडाइड और ये है आपका क्या एराइल और ये है आपका क्या आयोडाइड एराइल आयोडाइड होगा ये कि ये वाला बॉन्ड यहां से होगा ब्रेक आयोडीन जो है वो उसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा जिसकी वजह से आपके पास एक बनेगा क्या कार्बोकेटाइन और दूसरा आपका क्या बनेगा आयोडाइड आयन फिर आपकी आएगी कौन सी मेटल कॉपर मेटल और ये टू इलेक्ट्रॉन खारिज करेगी तो प्लस टू चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर और ये वाले इलेक्ट्रॉन कौन अब्सॉर्ब करेगा कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन इस तरीके से और एक इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करेगा तो इस पर क्या आ जाएगा फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आपको पता है ये अकेला कुछ कर नहीं सकता सो फिर क्या करना पड़ेगा वो तो आपको पता ही है अकेला नहीं रहना कवारा नहीं मरना तो इसलिए हम क्या करेंगे यहां टू मोल्स लेंगे और इस कार्बोकेटाइन के भी टू मोल्स और आयोडाइडाइन के भी टू मोल्स कार्बन दो इलेक्ट्रॉन ही हमें चाहिए और यहां भी कार्बोकेटाइन टू मोल्स और यहां भी आपके पास क्या होंगे टू इलेक्ट्रॉन्स और यहां आपके आप फ्री रेडिकल बेंजीन फ्री रेडिकल वो भी दो बन जाएंगे और अभी नेक्स्ट टाइम में ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये है आपका क्या एक बेंजीन फ्री रेडिकल और ये है आपका दूसरा बेंजीन फ्री रेडिकल और अभी ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे बाई एराइल बाई फेनाइल बीस फेनाइल आर डाई बेंजीन ये आपका एक एराइल और ये आपका दूसरा एराइल इस तरीके से तो अभी आपका क्या बन गया बाई एराइल अभी इसमें एक और नाम बीस फेनाइल और आपने इसे एक और नाम दिया डाई बेंजीन ये सारे नाम जो है आपने इसे दिए चलिए अभी हम देखते हैं आयोनिक मैकानिज्म इसमें क्या होगा कि ये आपका एराइल हेलाइड और किसकी प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर और कॉपर में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहां कौन सा प्रोसेस होगा ऑक्सीडेटिव एडिशन का कौन सा प्रोसेस ऑक्सीडेटिव एडिशन का और ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड में ऑक्सीडेटिव एडिशन का मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास मेटल है उसका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़कर प्लस टू हो गई है दो यूनिट बढ़ गई है उसे बोलेंगे ऑक्सीडेटिव एडिशन अभी हम देखते हैं वो कैसे होती है सो एक्चुअली ये कॉपर पहले इस हेलाइड को एक इलेक्ट्रॉन देगी तो ये हेलाइड बनाएगा अपना आपका क्या CuX फिर यहां से दूसरा इलेक्ट्रॉन मेटल कॉपर का जाएगा और यहां जाके जुड़ जाएगा अभी नेक्स्ट क्या होगा आपके पास वो जो सारी चेंजिंग्स हुई है वो हम यहां राइट करते हैं सो अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड तो आपका वैसे ही है सो यहां आपका क्या अटैच हुआ आकर Cu और साथ में X और इसे क्या नाम देंगे बेंजीन कॉपर हेलाइड इंटरमीडिएट और नेक्स्ट क्या होगा आपके पास एक और कॉपर मेटल आएगी और उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे दो इलेक्ट्रॉन और वो क्या करेगी एक इलेक्ट्रॉन इस हेलाइड को देगी और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको देगी जब पहला इलेक्ट्रॉन हेलाइड को देगी तो ये बनेगा आपका कॉपर हेलाइड और दूसरा इलेक्ट्रॉन कॉपर को देगी तो वो आपका बन जाएगा क्या फ्री रेडिकल क्या बन जाएगा फ्री रेडिकल बन जाएगा
हार गाने का आ रहा है ना मजा। हार गाने के जितने ज्यादा नोट्स बनाएंगे उतनी ज्यादा आपको समझ आने वाली है। सर हम तो नोट्स नहीं बनाएंगे, हम तो दीवारों में लिखेंगे। तो ये आपका क्या बन गया, बेंजीन कॉपर फ्री रेडिकल। अभी नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, CuX तो यहां से रिमूव हो चुका है, बाकी आपका कॉपर फ्री रेडिकल जो है वो बचा। पता है कि इस रिएक्शन में हमने 2 moles किसके लिए थे, एराइल हैलाइड के। अभी दूसरा मोल भी है आपके पास, सो ये आपका सेकेंड मोल किसका, एराइल हैलाइड का सेकेंड मोल, अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड। और यह है इसके क्या इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर मेटल क्या करेगी यहां से इसको घेरे में डालेगी। और नेक्स्ट क्या होगा, फिर आपके पास यहां क्या हुई, ऑक्सीडेटिव एडिशन। सो नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपके पास एक एराइल रिंग, बेंजीन रिंग, अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड, और यहां आपका क्या अटैच है Cu, और इसके साथ क्या अटैच होगा आपका X, इसके साथ क्या अटैच होगा X, और ये है आपका क्या सेकेंड एराइल रिंग। ये आपके पास क्या है सेकेंड एराइल रिंग है, अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड। अभी नेक्स्ट क्या होगा, आपको पता है यहां 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहां है। अभी ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा और आपका क्या बनेगा CuX, क्या बनेगा नेक्स्ट CuX यहां से एलिमिनेट, और बाकी क्या बचा आपका एक बेंजीन फ्री रेडिकल, ये दूसरा बेंजीन फ्री रेडिकल ये। सो ये आपका एक बेंजीन फ्री रेडिकल, अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड, और प्लस ये आपका सेकेंड बेंजीन फ्री रेडिकल, सेकेंड बेंजीन फ्री रेडिकल। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, बाई फेनाइल, क्या बनाएंगे बाई फेनाइल प्रोडक्ट बनाएंगे, बाई फेनाइल। अभी आप देखें यहां आपके पास कॉपर की प्रेजेंस में दोनों आपस में मिले हैं, इसीलिए तो ये आपके पास क्या है कॉपलिंग रिएक्शन, और इसलिए आपने नाम दे रखा है बीस फेनाइल बाई फेनाइल और डाई बेंजीन या बाई राइल का जो आपने नाम दिया है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स का, और वो होगा कोरी हाउस सिंथेसिस।